बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन और मेहमानान ग्रामी साइट डेवलपमेंट टीम की जानिब से मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। अगले 15-20 मिनट में मैं आपको साइट एक्टिविटी की कुछ सीधा कामों से आपको ब्रीफ करूंगा। मेरी स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन जो दिखाई गई है, सबसे पहले मैं आपको सेलियंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा, प्रोग्रेस ऑफ मेन रोड्स, देन प्रोग्रेस ऑफ आर ब्लॉक्स, ओवरहेड टैंक्स जो वाटर सप्लाई के लिए बन रहे हैं, जो ब्लॉक सी डी और ई में बन रहे हैं, उसके बाद मस्जिद के बारे में बताऊंगा, स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं ओवरसीज में भी और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, गोल्फ कोर्स, नर्सरी, बैचिंग प्लांट, प्री कास्ट फैक्ट्री, असफॉल्ट प्लांट, ट्यूबवेल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ब्रिज, दो ब्रिजेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वाटर स्पोर्ट्स एरिया, कैपिटल हिल विलास, स्मार्ट विलास, फैशन एवेन्यू, सेल्स गैलरी, लेक व्यू हाइट्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड प्लांट एंड मैन पावर। फाइनली आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर लातादाद एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन की शुरू हैं। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेलियंट फीचर ऑफ दिस स्मार्ट सिटी, टोटल एरिया इज 80,000 कनाल और फर्स्ट फेज तकरीबन 40,000 कनाल पे अभी हमने काम शुरू कर दिया है। नंबर ऑफ प्लॉट्स 25,000 हैं इसमें, अपार्टमेंट्स 3,000, विलाज 6,000 एंड नंबर, इस पूरी स्मार्ट सिटी को हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया हुआ है और ये तकरीबन फिलहाल 19 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन, पांडा, ओवरसीज 1 एंड 2, एविएशन, स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंशियल विस्टास, फार्म विस्टास, कल्चरल विलेज, फाइनेंशियल स्क्वेयर, गेट प्रीसेंट्स, बुलेवार्ड हाइट्स, हिल व्यू हाइट्स, क्रिस्टल लेक, लेक व्यू टेरेसेस, पांडा रिजर्व एंड अदर टेरेसेस एक्स्ट्रा। दो इस स्कीम के डेडिकेटेड एक्सचेंज हैं, उसके बाद चक्री रोड से इसको हमने 3 एक्सेस दी हैं जो मैं आपको अभी नक्शे पे एक्सप्लेन करूंगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स, वो भी इंशाल्लाह जनवरी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, अगर आप इस नक्शे को देखें तो हमारा ये स्मार्ट सिटी जो है चक्री रोड और इस्लामाबाद मोटरवे के दरमियान में ये एरिया है और आपको इसमें आप देखेंगे कि दो इंटरचेंज, एक इंटरचेंज आपको नजर आ रहे हैं और एक इसके नीचे इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज भी इंशाल्लाह हम विद इन 3-4 मंथ्स इसको शुरू करने वाले हैं, अप्रूवल की हमें इंतज़ार है एनएचए से, और ये इंटरचेंज जब बन जाएगा तो हमारा एयरपोर्ट और इस्लामाबाद हार्डली 7 to 15 मिनट्स की ड्राइव होनी है मोटरवे पे, सिग्नल फ्री ये रोड होंगी। उसके बाद हमारे 3 आप देखेंगे कि एक चक्री रोड नीचे की तरफ जो चक्री रोड जा रही है, इसमें से 3 रेड रंग की रोड्स निकल रही हैं जिनको हमने एक्सेस 1, एक्सेस 2 और एक्सेस 3 का नाम दिया हुआ है। और ये पूरा जो हमारा नक्शा है उसमें आप देखेंगे कि हर इलाके को ये रोड टच कर रही है, तो एवरीबॉडी है, एवरी एरिया हैज़ द इंडिपेंडेंट एक्सेस और शॉर्टेस्ट एक्सेस टू इट्स ब्लॉक्स। उसके बाद एक दरमियान में रेड रंग की रोड है जो हाँ रेड ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ आर वन रोड, ये सारे इलाकों को मिलाती हुई पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेवर्स कर रही है। यस, कमिंग ऑन टू द मेन रोड्स जिनके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है और उसमें एक्सेस 1, एक्सेस 2 एंड एक्सेस 3, और इनकी जो कंप्लीशन टाइमिंग्स हैं वो हमने 8 मई 20 को एक देनी है,
एक्सेस टू 21 मार्च तक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेस थ्री इस पे काम अभी स्टार्ट किया हमने और ये इंशाल्लाह 25 अक्टूबर 2020 को ये कंप्लीट हो जाएगी। मेजर एक्टिविटीज अभी तक जो रोड पे चल रही हैं वो कटिंग एंड फिलिंग ऑफ द अर्थवर्क, उसके बाद सब ग्रेड्स, और ज़्यादा एक्टिविटी आपने देखी होगी कि मैक्सिमम जगह पे हम असफॉल्ट लेवल पे आ गए हैं और असफॉल्ट शुरू है। करंट प्रोग्रेस जो है एक्सेस वन की जो है इट इज़ 61%, एक्सेस टू 82%, ये इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेस थ्री ये जस्ट स्टार्टेड, ये 5% है। और आर्बन रोड जो कि पूरे हमारे ब्लॉक्स को लिंक कर रही है उसमें हम 63% पे हैं। यस, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं और ये हमारी एक्सेस टू की मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप लोग तशरीफ लाए हैं, और ये कंप्लीट कर लिया और मार्च में इंशाल्लाह ब्रिज कंप्लीट हो गया तो आप इस पूरे ब्लॉक्स में जहाँ भी फिरेंगे और इंशाल्लाह असफॉल्टेड रोड पे आप आएंगे। ये भी एक्सेस टू है और माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये डिज़ाइन हुई भी है और पहाड़ों के बीच में से इसको काट के और ये रोड थ्रू कर दी गई है। एक्सेस टू, यस यस, दिस इज आर एक्सेस वन, ये एक्सेस टू से बड़ी रोड है और इसको भी तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो है जितना एरिया था उसको कंप्लीट कर लिया, अभी आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक्सेस वन का ग्लिम्स। नाउ कमिंग ऑन टू द रेजिडेंशियल ब्लॉक्स एंड कमर्शियल ब्लॉक्स, दैट इज द हमारे दो ब्लॉक्स पे हमारा काम हो रहा है। जो ओवरसीज ब्लॉक्स हैं उस पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, इवन के हमने प्लांटेशन भी उसके ऊपर कर दी है और जैसा कि मलक साहब ने फरमाया कि पोजीशन हम आज भी दे सकते हैं, बट वो ब्रिज हमारा वो थ्रू हो जाए और स्कूल और मॉस्क तो इंशाल्लाह अगले महीने कंप्लीट हो रही है और 31 जनवरी को इंशाल्लाह इस मॉस्क का इफ्तिताह जुमा की नमाज से होगा। आपको नक्शे में ग्रीन रंग के जो पोर्शन नज़र आ रहा है जो ऊपर की तरफ है वो हमारे जो है ओवरसीज ब्लॉक्स हैं जिन पे तकरीबन तमाम ओवरसीज ब्लॉक पे काम शुरू हो गया है, और फ्रंट के जो ब्लॉक्स हैं ए बी सी डी ई इसमें तकरीबन काम जो है तकमील के मराहिल में है। उन अपर के ब्लॉक्स ओवरसीज के नीचे गोल्फ कोर्स है ग्रीन रंग का और उसके नीचे आपको ए बी सी डी जो नज़र आ रही है ये हमारे एग्जेक्टिव ब्लॉक्स। एग्जेक्टिव ब्लॉक पे भी काम शुरू हो गया है और इसकी भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। यस, ये डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम पहुँच गए हैं काम करते हुए। ओवरसीज ब्लॉक ए आप देखिएगा कि 7 फरवरी 2020 को ये कम्प्लीटली हैंड ओवर कर देंगे, 31 दिसंबर को ब्लॉक बी, ब्लॉक सी 18 फरवरी, ब्लॉक डी 30 जून, ब्लॉक ई 22 जून, ब्लॉक जे 30 जुलाई, ब्लॉक के 15 अगस्त, और रेड रंग के जो नजर आ रहे हैं दैट इज आर एग्जेक्टिव ब्लॉक, और वो भी हम 30 मई 2020 एंड 21 दिसंबर 2020 में इंशाल्लाह ये हैंडओवर हो जाएंगे। और मेजर एक्टिविटीज़ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जा रही है जिसमें अर्थवर्क की कटिंग फिलिंग, उसके बाद फाइनल असफॉल्ट स्टेज पे, और आज जिन हजरात ने साइट विजिट किया है एग्जेक्टिव ब्लॉक में वहाँ देखा होगा कि जी असफॉल्ट वहाँ पे रोडों पे शुरू हो चुका है। यस, आप इनको परसेंटेजेस भी आपको नज़र आ रही हैं और आप देखिए कि ब्लॉक ए बी सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, बिल्कुल माइनर एक्टिविटीज़ कहीं फुटपाथ छोटा मोटा लग रहा है और इस किस्म की फाइबर ऑप्टिक्स ले हो रही है तो वो अभी एक्टिविटीज़ रह गई हैं, अदरवाइज मेजर काम हमारी तरफ से उसका ख़त्म हो चुका है। यस, ये कंप्लीट आप ब्लॉक्स देखिए, दिस इज ब्लॉक ए कंप्लीटेड रोड असफॉल्ट,
थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो कंप्लीट हो रही हैं। बाकी आप देखिए असॉल्टेड रोड ब्लॉक बी की, यस, ब्लॉक सी प्लॉट्स आर रेडी, लेवल्ड, वेल कंपैक्टेड, यस। दिस इज ब्लॉक ई। नाउ एग्जेक्टिव ब्लॉक बी, जिसके ऊपर अभी काम जोरों शोरों से जारी है, यस। नाउ कमिंग ऑन द ब्रिज, सिल रिवर हमारे कॉलोनी के जो हमारी सिटी है उसके बीच में से गुजरता है, और इसके ऊपर हमारे तीन ब्रिजेस प्लान्ड हैं, और जिस पे एक ब्रिज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ हुआ है, सिर्फ हमने उस पे गर्डर लॉन्च करने हैं, और जो मेजर वर्क था वो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने एक्सेस वन का ब्रिज स्टार्ट करना है, और फिर एक्सेस थ्री का ब्रिज होगा। नाउ आप देख सकते हैं कि जो इसमें मेजर काम था, इसका ट्रेंसम और इसके पिलर्स वगैरह और अबटमेंट्स वो तैयार हैं। गर्डर्स आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहे होंगे, गर्डर भी कास्ट करके रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह एक हफ्ते के दौरान जो है ये गर्डर लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी, और एंड ऑफ मार्च जो हमने डेट रखी हुई अपने लिए, इंशाल्लाह इसको कम्प्लीट करके, और आप जब एंट्रेंस से, जैसे आज आप जहाँ से आप आए हैं वहाँ से जब आएंगे, तो आप टोटल असफॉल्टेड रोड पर इस मार्की तक आ सकते हैं, पूरे जो है ओवरसीज ब्लॉक तक। यस यस। नाउ कमिंग आउट द ओवरहेड टैंक, हमारे एग्जेक्टिव ब्लॉक में, एग्जेक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्शन शुरू है, जो 1,00,000 गैलन कैपेसिटी के टैंक हैं, और जिनको आपको तस्वीर में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट वन इज अबाउट टू कंप्लीट, और नेक्स्ट मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा। मॉस्क आपके बिल्कुल साथ आपने आते हुए देखी होगी, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये मॉस्क पहली सेक्टर मॉस्क है 700 नमाजियों के लिए, और ये इंशाल्लाह अगले महीने कंप्लीट हो जाएगी। ये फाइनल इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस डोम चल रहा है, और ये इंशाल्लाह बड़ी तेजी से चल रही है। नाउ स्मार्ट स्कूल, इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी शुरू है और ओवरसीज ब्लॉक में भी शुरू है। कंस्ट्रक्शन पिक्चर्स, यस। नाउ 18-होल गोल्फ कोर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स, इसका डिजाइन इंशाल्लाह हमें जनवरी में मिल जाएगा, और फर्स्ट 9 होल का अर्थवर्क जो है वो इंशाल्लाह हम सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे, और इसके साथ जो है हमारी जो है प्रॉपर्टीज़, कैपिटल हिल प्रॉपर्टीज़, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी में, और उसके ऊपर भी काम जो है तेज़ी से जारी रहेगा। वाटर स्पोर्ट्स, हमारा इलाके में जो है वो इट इज़ लिंक विद दी चहान डैम की लेक के साथ, जो कि बहुत बड़ी लेक है, वहाँ पे एक इलाका सेलेक्ट करके हमें वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वो उसके लिए बना रहे हैं, जिसके लिए जो है यॉट्स, वाटर स्कूटर्स और इससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे जनरेट होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द नर्सरी, वी हैव आर डेडिकेटेड नर्सरी, जिसके अंदर ओवर 1,00,000 प्लांट्स अभी हमने उसके अंदर रख लिए हैं। इसमें जो हमारा प्लान है कि जो गोल्फ कोर्स के अंदर या हमारी कॉलोनी के अंदर जितना भी प्लांट्स और हार्टिकल्चर होगा वो हम अपनी नर्सरी से ही जनरेट करके इसको लगाएंगे। यस, ये आप देख रहे होंगे कि ये पौधे शौधे सारे हमने नर्सरी से लिए, और आपने रोडों के ऊपर सेंट्रल मीडियन में जो प्लांटेशन हुई हुई है इसमें ज़्यादातर हमारी नर्सरी के पौधे लगे हुए हैं। वी हैव टू बैचिंग प्लांट्स, एक हमारा बैचिंग प्लांट्स लगा हुआ है जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि आगे टफ टारगेट्स आ रहे हैं, तो हमने एक और बैचिंग प्लांट जो है वो इंशाल्लाह कोई 15 दिन तक एक और लग जाएगा,
ताकि जो हमारी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन में है वो हम उससे पूरी करेंगे। असफाल्ट प्लांट, क्योंकि असफाल्ट की एक्टिविटी आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हमने अपना डेडिकेटेड असफाल्ट प्लांट भी लगा लिया है और अब जितनी भी असफाल्ट हो रही है वो हमारे अपने प्लांट से निकल रही है और हमारा अपना पेवर ग्रुप जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। वी हैव आर ओन प्री कास्टिंग यार्ड जिसके अंदर जितनी भी फुटपाथ की टाइलें, कब स्टोन्स, ब्लॉक्स, ये हम बड़ा तेज़ी से, ये प्लांट की काफ़ी स्पीड है और इससे हम इसको बना रहे हैं और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि बाहर से मार्केट से लें तो वो स्ट्रेंथ नहीं आती मटेरियल में, तो जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो है हम इस प्लांट के ऊपर चीज़ें बना रहे हैं। दिस इज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ये जाहिद साहब की चेयरमैन जो हैं हबीब रफीक, उनकी ख़ास हिदायत थी कि यहाँ पे साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं था, तो ये हमने एंट्रेंस के ऊपर इसको लगाया। ये पिछले चार पाँच महीने से ये काम कर रहे हैं और आम पब्लिक के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा है और ये सो सेफ जो रेनाउंड कंपनी है वाटर फिल्ट्रेशन की, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ट्यूबवेल्स, हमारा प्लान जो है 30 ट्यूबवेल्स का है जिसमें से 10 हम जो है इसको बोर कर चुके हैं और इसमें हमें अल्लाह ताला के करम से काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये ट्यूबवेल अभी अवेलेबल है। जूँ जूँ प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, हम ये ट्यूबवेल का नंबर जो है उसी तरह बढ़ाते जाएंगे। नाउ कैपिटल हिल विलास, दीज आर डिज़ाइन बाय DSA और ये 300 विलास आ रहे हैं। यस, ये 7 विलास मॉडल जो है ये हमने शुरू कर दिए हैं और ये विद इन 3-4 मंथ्स इसका हम ग्रेड स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे और इन पे काम स्टार्ट है। दीज आर दी कंटेम्प्रेरी स्टाइल के विलास हैं जो कि हमारे हर सेक्टर में बन रहे हैं। दिस इज जॉर्जियन स्टाइल, ये स्लाइड आपको दिखाएगी कि ये हर जो है सेक्टर में, हर ब्लॉक में कितने कितने विलाज हैं। ये तकरीबन 887 विलाज हर ब्लॉक में बनेंगे और इनके भी जो मॉडल विलाज हैं वो हम 2 हफ्ते के अंदर, कुछ शुरू हो गए हैं और कुछ 2 हफ्ते के अंदर ये सारे मॉडल विलाज जो हैं, ये तकरीबन 19 विलाज हम मॉडल बना रहे हैं। दिस इज फैशन एवेन्यू जो कि यहाँ पे बनेगी और दिस इज इन फ्रंट ऑफ द ओवरसीज ब्लॉक। खत्म हो गया। यस, दिस इज अगेन फैशन एवेन्यू। यस, ये आप देखेंगे कि ओवरसीज ब्लॉक के सामने जो आपको नजर आ रहा है मैरून कलर में, ये फैशन एवेन्यू का एरिया है। दिस इज आवर सेल गैलरी। सेल्स गैलरी भी जो है ओवरसीज ब्लॉक के सामने, ये भी कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होने वाली है। देख व्यू हाइट्स, 4 हाइट्स जिस जगह पे मार्की बनी लगी हुई है, इस जगह पे 4 बड़े प्लाजा बनाए जा रहे हैं जिसमें क्लासिकल स्टाइल है और दूसरा मॉडर्न स्टाइल। दिस इज क्लासिकल वन, इसमें नीचे शॉप्स और ऊपर जो है इसमें ऑफिस एंड अपार्टमेंट्स। दिस इज मॉडर्न स्टाइल। दिस इज़ आवर ऑफिस एरिया जो कि कम्प्लीट ऑफिस जो है यहाँ पे बना दिया गया है जिसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द साइट नाउ। ये है जो इस ऑफिस के अंदर जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लैंड से लेके और कंस्ट्रक्शन तक हर ऑफिस जो है यहाँ पे अकोमोडेट हो गया अभी। यस, वी हैव डिप्लॉयड अबाउट ओवर 400 मेजर पीसेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट और ये सारा मेजर इक्विपमेंट जिसमें एक्सकेवेटर, डोजर्स एंड डंपर्स वगैरह शामिल हैं और ये इस वक्त काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। दैट वॉज द फर्स्ट पिक्चर वंस मलिक असलम साहब हैंडेड ओवर द कीज
to the project team, and then we started off working. This is the layout of our plant and equipment working on the site. Yes. जो मैन पावर हमने डिप्लॉय की है, इट इज तकरीबन 1600 जो है लेबर इसके ऊपर काम कर रही है, और इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लेबर. यस. लेबर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. यस यस. इन द एंड जस्ट आई वांट टू मेंशन दैट मलक साहब हैज गिवन अ टफ टारगेट्स. And me and my team likes the tough targets, or we will always keep pace with the marketing, and that is our aim. Thank you very much, gentlemen. Bahut shukriya.